Now, see question number 3. Question number 3 is 3 coins toss simultaneously. 3 coin toss simultaneously. देखो अब एक कॉइन को तीन बार उछालो या तीन कॉइन को साथ में उछालो, टॉस करो. एक कॉइन को तीन बार टॉस करो या तीन कॉइन को एक बार एक साथ टॉस करो, रिजल्ट विल बी सेम. नाउ थ्री कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली, सो एस इज इक्वल टू एस एच 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 टी 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 एच एच टी 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 एच एच टी एच टी एच टी एच टी 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 एच एच. अब देखो इसको कैसे ढूंढना है, इसको बनाना कैसे. देखो तीन कॉइन है, राइट, तीन कॉइन है तो तीन हेड आ सकते हैं, तीन टेल आ सकते हैं, राइट. दो बार हेड और एक बार टेल आ सकता है, तो यहाँ पे तीन हेड थे, यहाँ पे दो हेड थे, दो हेड एक टेल आ सकता है, वैसे ही दो टेल एक हेड भी हो सकता है, राइट. फिर हेड टेल हेड हो सकता है, वैसे ही टेल हेड टेल हो सकता है, समझ में. उसके बाद हेड और दो बार टेल आ सकता है, टेल और दो बार हेड आ सकता है. अब तुम बोले यहाँ पर भी दो बार हेड और एक बार टी है, यहाँ पर भी एक बार भी दो बार हेड है, इसमें दोनों में फर्क क्या है, समझ में. देखो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट, ये फर्क है, आया समझ में. सो नंबर ऑफ एस इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ एस इक्वल टू 8, नंबर ऑफ एस इक्वल टू 8. अब इसमें इवेंट क्या है, व्हाट इज द इवेंट. फर्स्ट इवेंट इज टू गेट एटलीस्ट टू हेड, टू गेट एटलीस्ट टू हेड, मतलब कम से कम दो हेड तो आने ही चाहिए, तो कम से कम दो हेड बोला तो दो से ज्यादा भी चलेंगे. दैट्स व्हाई ट्रिपल एच 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 टी टी एच 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 टी एच. देखो इसमें दो हेड है, इसमें दो हेड है, इसमें दो हेड है, इसमें तीन है, तीन चलेंगे, बिकॉज एटलीस्ट दो बोला है, एटलीस्ट टू, तो थ्री इज सो टेन. सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आया, 3. नाउ इवेंट वी टू गेट नो हेड, ऐसे इवेंट निकल जिसमें हेड नहीं है, तो क्या आएगा वो TTT, बाकी सब देखो हेड है ना. सो TTT, सो नंबर ऑफ बीज इक्वल टू 1. थर्ड इवेंट क्या है, इवेंट सी टू गेट हेड ऑन सेकंड कॉइन, टू गेट हेड ऑन सेकंड कॉइन, सेकंड मतलब मिडल में एच आना चाहिए, तो एच 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 के मिडल में एच है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो एच 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 टी टी एच एच टी एच टी. इसमें देखो मिडल में एच है, यहाँ पे मिडल में हेड है, यहाँ पे भी मिडल में हेड है, यहाँ पर भी मिडल में हेड है, यहाँ पर भी मिडल में हेड है, तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. सो नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू क्या आएगा 3. अंडरस्टूड एवरीवन. नाउ नेक्स्ट, टू डिजिट नंबर ऑफ फॉर्म यूजिंग डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5. देखो बोर्ड के ऊपर बुक में क्वेश्चन में कुछ डिजिट दिए लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5. अब इनको यूज करके, इनको यूज करके क्या करना, हम लोग को टू डिजिट नंबर फॉर्म करने, उसमें कंडीशन दिया है कि नंबर को रिपीट नहीं करना है, लाइक 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, मीन्स 11, 22, 33, 44, 55, नंबर रिपीट हुआ ना, तो नंबर रिपीट नहीं करने. लेट्स स्टार्ट, डिजिट्स है हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो जीरो को भी यूज कर सकते हैं, 10 मतलब 10, 12, 13, 14, 15, फिर 20, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 50, 51, 52, 53, 54, ऐसे नंबर्स है. ओके, अब कितने नंबर्स, देखो एक के इसमें 5 नंबर है, 2 के 5 नंबर है, 3 के 5 नंबर है, 4 के 5 है और 5 के 5 है, तो टोटल नंबर कितने हो गए, नंबर ऑफ एस इक्वल टू 25. नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 25. अब इवेंट देखो, इवेंट ए द नंबर फॉर्म इज इवेंट नंबर, जो भी नंबर बनाओ के इवेंट नंबर आना चाहिए, इवेंट नंबर मतलब डिविजिबल बाय 2, 10, 12, 14, 20, 24, 30, 32, 34, 40, 42, 50, 52, 54, टोटल नंबर वो कितने हैं, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 30, टोटल नंबर कितने 30. इवेंट बी द नंबर ऑफ फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3, मतलब 3 के टेबल में, या फिर 3 से उसको हम लोग क्या करते हैं, इजीली डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज 12 15
21, 24, 30, 42, 45, 51 and 54. 17 is 51, 18 is 54, 15 is 45. Okay, 42 is 42, 10 is 30, 8 is 24, 7 is 21, 5 is 50 and 4 is 12. So number of bees equal to 9. Last में the number form is greater than 50. Number form is greater than 50. 50 से ऊपर 51, 52, 53, 54. So number of C is equal to what? 4. Number of C is equal to 4. Right on.